नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आप देख रहे हैं For Love Gadgets। रिसेंटली हमने Vivo Z1 X का लॉन्ग टर्म रिव्यू डाला था, जो कि एक वीडियो है 45 मिनट की, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, रैम मैनेजमेंट, चार्जिंग टेस्ट, ओवरऑल कैमरा क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, चाहे दिन हो, इवनिंग हो, रात हो, इंडोर हो, एवरीथिंग। ये वीडियो 45 मिनट्स की है और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप फोन ले चुके हैं या लेना चाह रहे हैं, इसे आप जरूर देखें, लिंक हमने कार्ड में दिया है। अब हम लेके आए हैं Vivo Z1 X के कवर्स का रिव्यू। ये 11 कवर्स है फ्रेंड्स जो हमने खरीदे हैं और इस वीडियो में हम करेंगे 5 कवर्स का रिव्यू। जहां तक इस रिव्यू का सवाल है, ये होगा इनकी क्वालिटी पे, कैमरा प्रोटेक्शन, स्क्रीन प्रोटेक्शन, बेजल प्रोटेक्शन, ओवरऑल लुक एंड फील कैसी है और प्राइस क्या है। साथ में हमने ये भी ध्यान दिया है कि वेट कितना, ताकि आप लोगों को पूरा अंदाजा मिल जाए कि कवर आपको मैनेज करने में कैसा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये कवर पे हम प्रोटेक्शन और सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगी प्रोटेक्शन, क्योंकि स्क्रीन और कैमरा की मनी बहुत जरूरी है। वो कवर हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसे नहीं रेकमेंड करेंगे, चाहे वो 50 का हो या 1000 का हो, अगर वो स्क्रीन और कैमरा प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, जो कि हमारे लिए की आस्पेक्ट्स हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, हमने इसे दोनों लैंग्वेजेस में अपलोड किया है, तो आपको जो कंफर्टेबल हो आप देख सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा ये तहे दिल से मानना है कि एक यूट्यूबर तभी एग्जिस्ट करता है कि अगर उसके पास सब्सक्राइबर्स हैं, जो लेटर ऑन फ्रेंड्स भी बनते हैं। मैं यही कहूंगा दोस्तों, प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये हमें डेफिनेटली मोटिवेट करता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमने कवर्स खरीदे हैं, वी आर स्पेंडिंग क्वाइट लॉट ऑफ अमाउंट जस्ट टू मेक श्योर कि वी डू आवर बेस्ट। बट अगर आप इस चीज को थोड़ा सा सराहेंगे, सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे फॉर ऑल, और इसे दोस्तों यारों में शेयर करेंगे, तो चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपका कोई भी फीडबैक हो हमें जरूर दीजिएगा, और क्वेरी हो तो भेज झिझक लेट मी नो, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आइए चेक करते हैं क्वालिटी। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, तो जो मटेरियल है ये काफ़ी थिक है, एज एन ओवरऑल जो शीट यूज़ करी गई है वो काफ़ी थिक है, सो फोन को अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। इस कवर में आप ध्यान से देखिए, बम्पर्स मिल जाते हैं, जिसके कारण ये कवर्स काफ़ी फेमस है। आप देख सकते हैं कि उभार कैसा है। इनके कारण आपके फ़ोन की स्क्रीन सरफेस को नहीं टच करती जब आप ऐसे रखते हैं, जो फ्रंट है साइड, वो इन बम्पर्स के सहारे सरफेस पे सेटल डाउन होती है। ये पैटर्न मिल जाता है, सो दिस इज अ लिटिल यू नो फ्रिक्शन बेस्ड, सो ये आपको रफनेस दी गई है, ताकि फ़ोन जब आप कवर में डालें तो वो अच्छे से कवर को स्टिक करे, एज इन पकड़ अच्छी रहे। आप देख सकते हैं कोई पोर्ट क्लोजर नहीं, ऊपर भी कटआउट दिया जाता है। अब पोर्ट क्लोजर का फ़ायदा ये होता है कि अगर कभी आपका फ़ोन पानी में गिर जाए, तो पानी ड्रास्टिकली चार्जिंग पोर्ट में नहीं जाएगा और डस्ट भी नहीं जाती उसके कारण, जो इसमें नहीं है। एक और चीज़ जो मैंने देखी वो ये है कि ये कटआउट ओपन है, अदरवाइज आई हैव सीन दिस क्लोज्ड बहुत सारे केसेस में, इन मैनी केसेस। आपको बम्पर्स में अंदर की तरफ वर्टिकल वॉल भी मिलती है, आप देख सकते हैं, जो शायद यहाँ से आपको और अच्छे से नज़र आए। ये देखिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं। इस वॉल का यही फ़ायदा होता है कि जब ये कवर गिरता है ऐसे, एज इन आपका फ़ोन गिरता है, तो इम्पैक्ट कम से कम बेजल पे आता है। आइए देखते हैं कि ओवरऑल लुक एंड फील कैसी है। आप देख सकते हैं कि आपके फ़ोन की लुक बरकरार रहेगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा, साइड से कुछ इस तरीके से। कैमरा प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वाइट डीप है, आप देख सकते हैं कि कितना गहरा है, सो दिस वे आपका कैमरा हमेशा सेफ रहेगा। बॉटम के जो पोर्ट्स हैं परफेक्टली अलाइन हैं, और टॉप का भी। स्पीकर ग्रिल का कटआउट बना है, जो कि अच्छी बात है, जिससे आपको कॉल क्वालिटी में कोई इशू नहीं आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो स्क्रीन प्रोटेक्शन भी अच्छी है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी डेप्थ है, सो फ्रॉम स्क्रीन प्रोटेक्शन परस्पेक्टिव ये बहुत बढ़िया है। इन दिस वे किसी कीमत पे स्क्रीन फ्लोर को नहीं टच करेगी। आखिरी चीज़ जिस पे नज़र डालते हैं वो है कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, मैं फ्लैश ऑन करूँगा फ्रेंड्स एक बारी को, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम जगह बची है, सो चांसेस आर देयर कि अगर आप कोई और टेम्पर्ड ग्लास लगाएं और वो अगर इससे थोड़ा सा भी बड़ा है,
तो वो उठने लगेगा एजेस से. सो फॉर दिस टेम्पर्ड ग्लास ये परफेक्ट आई थिंक जो बिना ब्लैक बॉर्डर के होंगे उनके लिए ये ठीक रहेगा. ब्लैक बॉर्डर के लिए आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, खरीदने से पहले चेक करिएगा कि वो इसके साइज से जो एग्जिस्टिंग टेम्पर्ड ग्लास लगा रहा है उसके साइज से बड़े हैं तो अवॉइड कीजिएगा. अगर थोड़ा सा भी छोटा है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एकदम इसकी फिटिंग तो एकदम परफेक्ट आई है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर से आपको मिलेगा. आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट है. अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हमारी तरफ से ये कवर एक थम्स अप है, इसे आप ज़रूर लीजिएगा, आपका फ़ोन प्रोटेक्टेड रहेगा. हाँ ये ज़रूर है कि बटन्स पे वियर एंड टियर आएगा, सो अगर आप इस पार्ट को लेमिनेट करा लें तो ज़्यादा बढ़िया है. अदरवाइज़ हमारी तरफ से डेफिनेटली एक गुड गो है, क्योंकि 147 में आपको भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे इतना अच्छा कवर मिल जाता है. अगर हम क्वालिटी की बात करें तो फिनिशिंग अच्छी है फ्रेंड्स. मैं फ्लैश ऑन करके एक बार दिखाता हूँ आपको. आप देख सकते हैं मैट फिनिश में है, फिनिशिंग अच्छी है, कटआउट्स भी सही से बने हुए हैं. बाकी जब हम इसे फ़ोन पर पुट ऑन करेंगे तो पता चलेगा. आपको कोई एयर पॉकेट नहीं मिलती, कोई प्रोट क्लोजर नहीं मिलता. हाँ बटन्स इस बारी कवर्ड रहेंगे जो कि एक अच्छी बात है. आइए फटाफट से इसे फ़ोन पर पुट ऑन करते हैं और कंक्लूड करते हैं. आपको कैमरा प्रोटेक्शन लगभग ना के बराबर मिलेगी दोस्तों. आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली ये थोड़ा सा गैप है लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट. सो मेरा मानना है कि ये फ्लोर को एज इन सरफेस को नहीं टच करेगा, बट ये रिस्की भी रहेगा. सो इट्स बेटर कि आप अगर ये कवर पसंद करते हैं या आपको ये पसंद आता है तो आप इस पर कैमरा प्रोटेक्टर ज़रूर लगाइएगा. अगर हम स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करें, अगेन इट्स ऑन दी नेग्लिजिबल साइड. अगर मैं फिर से एक बारी को कटर ऐसे रखूं और देखूं कि कितना गैप बचता है तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी लाइट पास हो रही है, पर ये बहुत नेग्लिजिबल रहेगा तो ये सेफ नहीं है. अगर मैं कटआउट की बात करूं टॉप की तो आपको कॉल क्वालिटी में कोई इशू नहीं आने वाला. ये कटआउट परफेक्टली है मैच, आप देख सकते हैं फोकस, तो ये भी परफेक्टली मैच्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. अगर आप थर्ड पार्टी टेम्पर्ड ग्लास लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी रूम मिल जाता है. सो एक बार फ्लैश ऑन करते हैं तो आपको एज सच उसमें कोई चैलेंज नहीं आएगा. आप देख सकते हैं कि ऑल अक्रॉस आपको बहुत रूम मिल रहा है, आप देख सकते हैं. सो थर्ड पार्टी टेम्पर्ड ग्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. अब अगर इसे हम कंक्लूड करें तो अगर आप मैट फिनिश वाला कवर पसंद करते हैं तो इसे आप ज़रूर खरीदेगा. प्राइस बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन प्रोटेक्शन के मामले में इतना सेफ नहीं रहेगा. तो आप इसे रोज़मर्रा के यूज़ में ना लाइएगा. आपको कैमरा प्रोटेक्टर डेफिनेटली लेना पड़ेगा. और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपका फ़ोन ऐसे गिरा और हल्का सा भी सरफेस उभरा हुआ है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट कवर, आपका टेम्पर्ड ग्लास या शीट पर स्क्रैच या क्रैक ज़रूर आएगा. सो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ऐसे कवर्स नहीं पसंद करता, हैंस फ्रॉम माई साइड इट वुड नॉट बी अ रिकमेंडेशन, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लीजिएगा. ये मैट फिनिश में आता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं. फिर से वही अप्रोच, बहुत ही मिनिमल कैमरा बम्प, नो प्रोटेक्शन. कैमरा प्रोटेक्शन ना के बराबर, आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली ये सरफेस पे एज इन व्हेन यू पुट योर फोन लाइक दिस, आप ऐसे रखेंगे तो कैमरा नहीं टच करेगा, बट ये बेहद मिनिमम है दोस्तों. सो वंस अगेन आपको कैमरा प्रोटेक्टर यहाँ पे लगवाना पड़ेगा. कटआउट्स परफेक्ट हैं और कुछ ज़्यादा ही कट हो रखे हैं. सो साइज पे भी आप देख सकते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसका नाम 360 डिग्री प्रोटेक्शन क्यों रखा. सो ये नाइस टच है, आई मीन थोड़ा सा आपको बेजल का शेड दिखता है लेकिन बटन्स कवर हैं. सो दिस इज़ नाइस टच, बट ये बहुत आसानी से टूट भी सकते हैं. स्पीकर कटआउट को कोई प्रॉब्लम नहीं और इस पोर्ट पे भी कोई इशू नहीं है. स्क्रीन प्रोटेक्शन
बिल्कुल भी नहीं है। आपको थर्ड पार्टी टेम्पर्ड ग्लास लगवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवरऑल लुक कवर की कुछ इस तरीके से रहेगी, आप देख सकते हैं। मैं इसे रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें आपको किसी प्रकार की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इससे बढ़िया कवर जो हमने दूसरे नंबर पर देखा था, जो कि लस्ट्री की तरफ से था, वो ज़्यादा अच्छा था। पर अगर आपको ये पसंद है तो आप जो पॉइंट्स हमने बताए हैं उनको दिमाग में रख के इसे खरीदेगा। दिस इज मोर देन अ शो देन अ गो। आपको कटआउट्स मिल जाते हैं बॉटम में, देख सकते हैं। टॉप में भी कटआउट दिया गया है, जो बटन्स हैं वो कवर्ड हैं, और इस तरफ भी। इसकी यूएसपी है ये डिज़ाइन या फिर ये कलर लैमिनेशन, जो इसको एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट कवर से थोड़ा सा अलग करती है। आइए रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। इस कवर में फ़ोन की लुक्स बरकरार रहेंगी, आप देख सकते हैं, और ओवरऑल लुक एंड फील कुछ इस तरीके से रहने वाला है। प्रोटेक्शन ना के बराबर है, आपको प्रोटेक्टर कैमरा का लगवाना पड़ेगा, एज इन कैमरा प्रोटेक्टर यहाँ पे डेफिनेटली लगवाना पड़ेगा। कटआउट्स परफेक्ट हैं, कोई पोर्ट क्लोजर यहाँ पे नहीं दिया जाता, और टॉप में भी आप देख सकते हैं कि कटआउट सही है, आपको कोई इशू नहीं आएगा। स्पीकर से कोई इशू नहीं होना चाहिए। टेम्पर्ड ग्लास आप थर्ड पार्टी का आराम से लगवा सकते हैं। अगर मैं फ्लैश ऑन करके एक बार आपको दिखाऊं, तो देख सकते हैं कि रूम काफ़ी है। इनफैक्ट ये कुछ ज़्यादा ही रूम है, एंड इट वुड बी ऑल्सो डेट्रीमेंटल टू स्क्रीन अगर आपका फ़ोन गिरता है। सो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर हम कॉर्नर प्रोटेक्शन देखें तो ये फिर से दोस्तों नेग्लिजिबल सी है, आप देख सकते हैं। मैं एक बारी फ्लैश ऑफ करता हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नेक टू नेक जा रही है फ्रेंड्स। वंस अगेन, अगर आप रिस्क लेने के लिए विलिंग है, आप पसंद करते हैं इस कवर को, तो आप ले सकते हैं। हम इसे रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए प्रोटेक्शन पहले है, इससे पहले कि कैमरा मॉड्यूल या स्क्रीन ख़राब हो और अच्छा खासा खर्चा तैयार हो। इट्स बेटर कि थोड़ा सा कोई और कवर को देख लिया जाए। सो मैं इसे रेकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, आप इसे शौकिया तौर पर ले सकते हैं कभी कभार पुट ऑन करने के लिए अगर आप कवर्स का शौक रखते हैं, लेकिन अदरवाइज हम इसे रिकमेंड नहीं करेंगे। ये पांचवा कवर है जो कि है गोल्डन सैंड की तरफ से शॉक प्रूफ कार्बन फाइबर कवर। इसमें आपको कार्बन फाइबर टच दिया जाता है, छोटे छोटे एरियाज पे डिटेलिंग बहुत अच्छी है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैट फिनिश है जिसे ब्लैक कलर से हाईलाइट किया गया है, एज इन शाइनी ब्लैक टच दिया गया है। और यहाँ पे भी, हालांकि यहाँ पे ऑटो फोकस अल्टीमेट एक्सपीरियंस लिखा दिया जाता है। ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, ग्रिप भी अच्छी मिलेगी। आइए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। इस कवर में फ्रेंड्स आपकी फ़ोन की लुक्स छुप जाती हैं, हाउएवर प्रोटेक्शन के मामले में ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आप देखें ध्यान से तो आपको कैमरा मॉड्यूल पे अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहरी है ये। और अगर आप अदरवाइज इस पे कैमरा प्रोटेक्टर लगवाएंगे तो वो अच्छा ही है, नो मैटर कोई भी कवर हो, क्योंकि कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने जितना अच्छा कवर लगवाया हो, कुछ एंगल ऐसा बन जाता है कि डायरेक्टली उस एरिया पे इम्पैक्ट आ जाता है। सो नो मैटर, अदरवाइज आप कोई भी कवर लीजिए, आप प्रोटेक्टर ज़रूर लगवाइए, लेकिन हाँ, इस कवर में ये काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन दे रहा है कैमरा मॉड्यूल को। बॉटम में आपको पोर्ट क्लोजर नहीं मिलेगा और कटआउट्स परफेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। टॉप में भी ये परफेक्ट है। स्पीकर ग्रिल हाइड नहीं हो रही और आप देख सकते हैं कि आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है एक थर्ड पार्टी टेम्पर्ड ग्लास के लिए भी। कि एज सच डरने की बात नहीं है, बट वही बात है, कहते हैं कि किस्मत ख़राब हो तो आप ऊंट पे बैठे कुत्ता तब भी काट जाता है, तो वही बात है दोस्तों। बट ओवरऑल आप देख सकते हैं बटन्स कवर्ड हैं, बट
बेजल कलर दिख रहा है दोनों तरफ से, विच इज़ गुड, पर ये देखना पड़ेगा कि कितनी ड्यूरेबल है. सो आई थिंक क्योंकि ये रबर बहुत अच्छी क्वालिटी का है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस कवर जिसमें ये चीज़ दिख रही थी, तो क्योंकि वो हार्ड प्लास्टिक था वो जल्दी क्रैक हो सकता है, ये इतनी जल्दी क्रैक नहीं होगा, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ओवरऑल इस कवर की अगर बात करें, सो पॉइंट इतना है दोस्तों कि 549 इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, बट ये कवर अगर आप लोकली पा पाते हैं तो डेफिनेटली आप इसे बाय करेंगे, कर सकते हैं, एज इन हमारी तरफ से ये रिकमेंडेड है. 549 पे ये एक्सपेंसिव है, पर क्या करें, जब आप 15-16,000 का फ़ोन ख़रीदते हैं तो आई थिंक एक बारी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इतना खर्च सकते हैं. सो प्राइस आप डिसाइड कीजिए, मेरी तरफ से ये कवर रिकमेंडेड है, आप इसे डेफिनेटली बाय आउट कर सकते हैं, फ़ोन को प्रोटेक्शन बहुत अच्छी मिलेगी. कंक्लूजन की बात करें तो हमारे लिए पहले नंबर पर रहेगा जैकोबी का कवर और गोल्डन सैंड का. हर कवर में फ्रेंड्स कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो चाहिए ही चाहिए, आपको बढ़िया कैमरा प्रोटेक्शन मिल जाती है, आपको ओवरऑल क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, आपको जो थिकनेस है बहुत अच्छी दी गई है मटेरियल की, दोनों में पोर्ट क्लोजर नहीं है, ओपनिंग्स परफेक्ट हैं, इसमें बटन्स कवर नहीं है. अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपको कॉर्नर में पॉकेट्स नहीं दी गई जैसे आपको इसमें मिलती हैं. हाउएवर ये दोनों कवर्स सबसे बढ़िया हैं, आपको अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. ये थोड़े टाइम में पीला पड़ जाएगा एज इन 6 महीने में, जो एक नॉर्मल प्लास्टिक कवर हो जाता है ये भी, लेकिन ये सिर्फ 147 का है, तो आप इस कवर में लुक्स भी फ़ोन की इंटैक्ट रख पाएंगे. तो डेफिनेटली आप ये दोनों कवर प्रेफर कर सकते हैं अपनी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे. उसके बाद मैं इस कवर की तरफ आऊँगा जो कि था हमारा लस्ट्री का कवर. ये अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दीज टू, इसमें कैमरा बम्प भी इनसे डिसेंट है, ओवरऑल क्वालिटी भी अच्छी है. अगेन इन तीनों में भी आपको एयर पॉकेट्स नहीं मिलेंगी. लास्ट में हम इन्हें रखेंगे जिसमें आपको स्क्रीन प्रोटेक्शन, कैमरा प्रोटेक्शन जो बेहद कम दी जाती है. सो ये था हमारा कंक्लूजन इन कवर्स के ऊपर. तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. हम अगले 6 कवर्स का रिव्यू जल्दी लेके आएंगे. इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेरी को फीडबैक दीजिएगा, और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को फॉर ऑल क्लिक कीजिएगा. मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे थे पॉड लव गैजेट्स. धन्यवाद, जय हिंद.